दूसरा सूत्र ये है कि हम जब पानी पिए, डेढ़ घंटे बाद पीना ये याद रखना, डेढ़ तास बाद पीना, लेकिन पानी कैसे पीना है ये बहुत महत्व की बात है। पानी कैसे पीना है ये बहुत ही महत्व की बात है। आप अभी सामान्य रूप से पानी कैसे पीते हैं, एक गिलास पानी भरा, मुंह में लगाया, गज 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 उतार लिया, गिलास तभी वापस आता है जब पानी खत्म हो जाए, यही तरीका है ना सामान्य रूप से। कुछ लोग मुंह लगा के पीते हैं, कुछ ऐसे खोल के ऊपर से गिराते हैं, लेकिन पानी लगातार गटकते जाते हैं, ये तरीका सबसे गलत है। अगर आप गटगट 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 लगातार पानी पी रहे हैं तो आपके शरीर में तीन रोग तो जरूर आने वाले हैं, अपेंडिसाइटिस, यहां पेट का दर्द, हर्निया, हर्निया आप सब समझते हैं, आंतों का उतरना, ये बहुत परेशान होते हैं बहुत सारे लोग के हर्निया है, हर्निया हर्निया, ये हर्निया सबसे ज्यादा उन्हीं लोगों को आता है जो पूरा गटक के एक साथ पानी पी जाते हैं। और तीसरा, थोड़ी उम्र के बाद एक बीमारी आती है हाइड्रोसिल, विशेष रूप से ये पुरुषों में आती है, हर्निया तो माताओं में भी आ जाता है, हाइड्रोसिल पुरुषों की बीमारी है खास रूप से। तो हर्निया, हाइड्रोसिल और अपेंडिसाइटिस, ये तीन रोग तो कंपलसरी गारंटी से आते ही हैं उन लोगों को जो एक साथ पूरा लोटा या गिलास पानी गटकते हैं। माने एक साथ पानी गटकना अच्छा नहीं है। तो आप बोलेंगे फिर पानी कैसे पीना है, पानी पीने का नियम है आयुर्वेद में उस तरह से पानी पीना है जैसे आप चाय पीते, जैसे आप कॉफी पीते और जैसे आप गर्म दूध पीते। चाय कैसे पीते हैं, सिप करके, एक सिप लिया, फिर थोड़ी देर बाद दूसरा सिप लिया, फिर थोड़ी देर बाद तीसरा सिप लिया, इस तरह से सिप सिप करके चाय पीते हैं। ऐसे ही आप कॉफी पीते हैं और ऐसे ही आप गर्म दूध पीते हैं। तो जैसे गर्म दूध पीते हैं, जैसे चाय पीते हैं, जैसे कॉफी पीते हैं, पानी ऐसे ही पीना। एक सिप पानी का पीजिए, फिर थोड़ी देर के बाद एक सिप पीजिए, फिर थोड़ी देर के बाद एक सिप पीजिए, फिर थोड़ी देर के बाद एक सिप पीजिए। आप कहेंगे क्या पानी पीने में बहुत समय जाएगा, जाने दीजिए, इस समय को मत बचाइए, नहीं तो यही बचाया हुआ समय हॉस्पिटल में जाएगा और पैसे लेके जाएगा। समय तो जाएगा, पैसे भी लेके जाएगा। हो सकता है 15 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़े या 1 महीने रहना पड़े, तो पैसे भी जाएंगे, समय भी जाएगा, तो अभी समय क्यों बचाने के चक्कर में है। सिप सिप करके पानी पीजिए, आराम से पानी पीजिए। आपने कभी छोटे बच्चों को देखा पानी पीते हुए, वो तो बहुत ही अच्छे तरीके से पानी पीते। कभी छोटे बच्चों को आप देखिए तो आपको ऐसा लगेगा वो मस्ती कर रहे हैं, लेकिन वो मस्ती नहीं कर रहे हैं, वो बहुत वैज्ञानिक है। वो क्या करते हैं, पानी लेते हैं, मुंह में भर लेते हैं, ऐसे करते हैं ना बच्चे, फिर मुंह में, कई बच्चों को मैंने देखा ऐसे करते। ये सबसे अच्छा तरीका है पानी पीने, तरीका तो यही सबसे अच्छा है। पानी लीजिए, थोड़ी देर मुंह में उसको घुमाइए, इधर घुमाइए, इधर घुमाइए। क्यों घुमाना है, मुंह में लार जो है ना वो पानी के साथ मिले और शरीर में अंदर जाए। ध्यान हमेशा ये रखना है कि लार क्षारीय है, पेट में जो है वो अम्ल है, अम्ल और क्षार मिलते रहे तो शरीर न्यूट्रल रहे। तो पानी के साथ जितनी जास्ती लार जाएगी उतना ही अम्ल के साथ उसका मिलन अच्छा होगा, शरीर में न्यूट्रलिटी आएगी। इसलिए पानी पीने का, एक बार मुंह में भरिए, थोड़ी देर उसको घुमाइए, लार उसमें मिले तब नीचे उतारिए, ये सबसे अच्छा तरीका है। तो पानी भोजन के डेढ़ तास बाद पीना पहला नियम, और पानी पीना है तो हमेशा सिप सिप करके पीना है, घूट घूट करके पीना है, एक साथ पूरा गटगट गटगट नहीं उतारना। आप अगर ध्यान देंगे, जो जानवर जितना धीरे पानी पीते हैं वो उतने ही ज्यादा चुस्त और दुरुस्त होते। आपने देखा कई जानवर हैं जो जीभ से चाट कर पानी पीते हैं, जीभ से चाट चाट कर पानी पीते, शेर, बब्बर शेर, लंगड़ भग्गा, कुत्ता, भेड़िया, ये सब जीभ से चाट कर पानी पीते हैं और इनकी चुस्ती और फुर्ती इतनी तीव्र है
कि चीता आप जानते हैं ना राजधानी की स्पीड से दौड़ सकता है। राजधानी 140 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से दौड़ती है, चीते की भी मिनिमम स्पीड 140 किलोमीटर घंटा है। क्यों? चाट कर पानी पीते। चाट कर पानी पीने से शरीर में चुस्ती और फुर्ती सबसे ज्यादा है। लेकिन आप बोलेंगे हम तो नहीं पी सकते, तो चाट कर नहीं पी सकते लेकिन थोड़ा थोड़ा तो पी सकते हैं, सिप सिप करके ऐसे पानी पीजिए। पक्षियों को आप देखिए, पक्षियों को, चिड़िया, जितने तरह की चिड़िया है, एक एक ड्रॉप पानी का उठा दिया आपने देखा चिड़िया को पानी पीते हुए, पूरा पानी का बर्तन रखा भरा हुआ है, लगातार उसमें मुंह भर के पानी नहीं चूसेगी, एक ड्रॉप उठाएगी फिर वापस मुंह लाएगी, फिर दूसरा उठाएगी फिर वापस मुंह लाएगी। चिड़िया इस तरह से एक एक ड्रॉप पानी पीती है, बहुत दुरुस्त और चुस्त और दुरुस्त रहती है। आप भी सीखिए पानी पीना। पानी हमेशा थोड़ा थोड़ा घूंट घूंट भरते, बच्चों से सीख लीजिए, इसमें कुछ बुराई नहीं है। मुंह में पानी थोड़ी देर भरिए, इधर उधर घुमाइए, फिर उतारिए, फिर भरिए, फिर घुमाइए, फिर उतारिए। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। इसके तीन फायदे तो मैं तत्काल बता देता हूं। अगर आप सिप करके पानी पी रहे हैं तो मैं आपको जो चाहे उतने रुपए के स्टाम्प पेपर पे एक सेंटेंस लिख के देता हूं। 1000 रुपए का स्टाम्प पेपर हो या 10,000 का या 1,00,000 का, अगर जो भी जिंदगी में सिप करके पानी पिएगा, मेरी गारंटी है, मेरी नहीं आयुर्वेद की गारंटी है, कि जिंदगी में कभी भी उसको मोटापा नहीं आ सकता, ओबेसिटी, कभी भी वजन नहीं बढ़ेगा, जितना होना चाहिए जिंदगी भर उतना ही वजन रहेगा अगर पानी सिप करके पी रहे हैं तो। आप इसका उल्टा प्रश्न पूछ सकते हैं, जो वजन बढ़ गया है तो बिल्कुल आश्वस्त रहिए, आप सिप करके पानी पी लीजिए, 6 से 7 महीने में 10 किलो वजन आपका घट जाएगा अगर बढ़ गया है। फिर आप बोलेंगे जो उससे ज्यादा घट गया तो नहीं घटेगा, उसकी चिंता मत करिए, जितना बढ़ा हुआ है उतना ही घटेगा, घटने के बाद स्थिर हो जाएगा, सिप करके पानी पीने की आदत डाल दीजिए। दूसरा फायदा क्या होगा? अभी कल से ही आप देखेंगे, अगर सिप करके पानी पीने की आदत आपने डाली तो ये जो गुड़गे का दर्द है, घुटने का दर्द, 7 दिन लगातार आप सिप करके पानी पी लीजिए, ये दर्द 25% आपका कम हो जाए। और ये जो एड़ी का दर्द है, एंकल जॉइंट्स का पेन, ये तो 7 दिन में 100% खत्म हो जाए। और ये जो जॉइंट्स में पेन आपको होता है, ये 25 से 30% 7 दिन में कम हो जाए। और सवेरे सवेरे सोकर उठते ही जिनको सिर दर्द होता है, चक्कर आते हैं, कमजोरी महसूस होती है, ये 7 दिन में तीनों ही गायब हो जाए, चक्कर आना, सिर दर्द होना, कमजोरी महसूस होना। पानी पीना है सिप करके पीना है, थोड़ा 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 घूट घूट करके पानी पीना। पहला